शुक्रवार को जिला पुलिस अन्वेषण भवन में जिला पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अपराधों की समीक्षा की गई। पुलिस अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक निर्देश दिए। जिले में लगातार बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एसपी ने विभिन्न थानों के थाना अधिकारियों को भी बदला। अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने के अधिकारियों को एसपी ने निर्देश दिए। साथ ही जिले में दुर्घटनाओं की वजह से होने वाली मौतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पॉइंट्स पर भी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने को कहा और थानों में चल रही पेंडेंसी को भी कम करने की हिदायतें दी। अभी चूंकि बहुत सारे एसएचओज हमारे चेंज हुए थे और चेंज होने के बाद एक बार जिले की प्राथमिकता उनको बताना बहुत जरूरी था, तो एक तो उसको लेकर के चर्चा की गई जो प्राथमिकताएं हैं, पेंडेंसी जो है उसको कम करने को लेकर के विशेष अभियान चलाने के लिए इस महीने में निर्देश दिए गए हैं। एक्सीडेंट्स में जो डेथ्स हुई हैं वो भी पिछले साल से बढ़ी है, उसको कम करने के लिए जिन पॉइंट्स पे काम करना है उसको लेकर के चर्चा की गई है। लोकल स्पेशल एक्ट्स, प्रिवेंटिव एक्शन, अभी इसके बाद बुआई का सीजन शुरू होगा तो उसमें खेतों के विवाद को लेकर काफ़ी झगड़े होते हैं, उसमें 307 के और यहाँ तक कि मर्डर के मुकदमे दर्ज होते हैं, उसको लेकर के कैसे कम करना है, पहले ही इस तरह के विवादों पर काम कर लिया जाए इसको लेकर के चर्चा की गई है। इसके अलावा जो हमारे दस्तावेजी काम होते हैं, समन वारंट की तामील होती है और जो रिपोर्ट्स पेश होते हैं, चलान एफ आर पेश होते हैं, CCTNS जो एक नया अभी शुरू हुआ है सॉफ्टवेयर, उसको लेकर के चर्चा की गई है और सबको टारगेट्स दिए गए हैं अगले महीने पूरा करने के। वहीं प्रदेश में अलवर पुलिस रैंकिंग के नीचे के पायदान पर पहुंचने पर एसपी से इस विषय पर जानकारी चाही तो बिना जवाब दिए अपनी शैली में मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गए। अंत कृष्ण।